तो आज मुझे एक वीडियो बनाना है। पहले मैं ढंग से उठ जाता हूँ। तो आई एम अवेक और अभी मुझे सैनोक जाना है, सैम का बुलावा है। तो बग्गी से निकलेंगे, आता हूँ मैं, बताता हूँ कहाँ है। कोई एम फोड़ लेगा? हाँ, मेरा नाम एक सिंचन है। अरे भाई अपुन को नॉक कर दिया। तो सैनोक का गेम खत्म हो गया और सैनोक की गेम में हमारा किसी ने गेम कर दिया। फिर भी वी गॉट सिक्स्थ पोजीशन। मेरा जीरो किल था। एंड आई एक्चुअली वांटेड टू टेल यू कि ये बात ध्यान रखना कि जब तुम गेम खेलो तो कोई बीच में कॉल ना करे। एंड देन द टॉक इज कि मैं वीडियो बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? क्योंकि मुझे बनानी है। एंड द सेकेंड थिंग कि मैं अपना लाइफ दिखाना चाहता हूँ। एंड तीसरा कि मैं तीन चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। पहला कि मैं बहुत हरामी हूँ और साथ ही साथ हम्बल भी हूँ। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। दूसरा कि मैं बहुत कूल हूँ और मुझे कूल चीज़ों का बहुत शौक है। तो मैं वही चाहूँगा कि मैं लिखूँ कि बहुत कूल हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें कूल कूल हैं, मैं खुद भी कूल हूँ, हर कुछ कूल है। और तीसरा वो मुझे अभी खुद नहीं पता है, जब पता लगेगा तो मैं बताऊँगा। और अभी मुझे खाना खाने जाना है। एक्चुअली मेरा ब्रेकफास्ट होता है 1 बजे, लंच 5 बजे, डिनर 12 बजे, नहीं मम्मी के प्रेशर में 10 बजे करना पड़ता है। डू यू नो मैं बंद कमरे में क्यों बात कर रहा हूँ? एक सेकेंड, क्योंकि बाहर हॉल में टीवी चल रहा है एंड इट फकिंग अननॉइज मी। क्या फालतू न्यूज़ देखने से फ़ायदा है यार? ब्रो मास्क ले लो, यहीं पे जाना, यहीं पे जाना। कहाँ पे? बिशप। बिशप में कौन सा केक मिलता है वे? न्यू स्टोर खुला है, वो नया है, देख लेंगे हम लोग। और यहाँ पे ये कार्स हैं, बहुत ही कूल लग रहे हैं। एक्चुअली मुझे लेने का भी मन करता है, फिर मैं सोचता हूँ क्या फ़ायदा भाई इसको लेने का। बहुत ही कूल कार, कूल चीज़ों का शौक है। अमित अभी अंदर है, इसका केक निकल रहा है, फोटो खींच रहा है। ब्लॉग में दिखा दो क्या हुआ। केक छोटू सा केक है ये। हाँ छोटू सा सही है भाई, ज़्यादा लंबा क्या, ज़्यादा बड़ा मतलब क्या कर। यहाँ पे केक केक मैं कर रहा। कौन सा कैंडल ले रहा है यार? ये फिर से एक बार देख लो कूल कार्स को। तो आई एम बैक होम और बहुत पहले ही आ गया था मैं, बट उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करा। और CBSE के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड बहुत लोगों के ख़राब भी आए हैं, बहुत लोगों के सही भी हैं। मेरे भाई का भी रिज़ल्ट आया है तो उसके भी ठीक ठाक आ गए हैं, मेरे हिसाब से ठीक हैं, बट मेरे पापा के हिसाब से ठीक नहीं। एंड बहुत लोगों के आए होंगे, मे बी वो ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर नहीं भी देख रहे होंगे। तो आई वॉन्ट टू से कि रिज़ल्ट से फ़र्क पड़ता होगा, बट तुम लोग इतना टेंशन मत लो क्योंकि अभी बहुत आगे लाइफ है। एंड अभी जस्ट मैंने देखा जो विलेन है, म्यूज़िक कंपोज़र, तो विलेन भैया ने वो एक स्टोरी डाली थी, वो स्टोरी यहाँ पे है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिनके कम आए हैं वो टेंशन मत लो क्योंकि दे विल डू अमेजिंग इन देयर लाइफ। तो लिटरली यू विल डू अमेजिंग, क्योंकि भाई बात यह है कि तुमने पढ़ाई के अलावा भी दूसरे फील्ड्स में हाथ मारा तभी तुम्हारे कम आए, नहीं तो तुम्हारे कम नहीं आते। तुम भी पढ़ाई पे ध्यान देते तो तुम्हारे ज़्यादा आ जाते, बट तुमने दूसरे फील्ड्स में भी हाथ मारा तो तुम्हें दूसरे तरफ भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है बाकी लोगों से जिनके अच्छे हैं, तो कोई उतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और तुम ये सोच रहे हो कि भाई आपके तो निकल गए तो आप तो भाई बोलोगे ऐसा सीन नहीं है, उसकी एक अलग कहानी है, तो उस गली किसी और दिन जाएंगे। तो टेंशन मत लो यार एंड स्टार्ट वर्किंग, डेवलप स्किल्स, क्योंकि ये स्किल्स ही मैटर करने वाली हैं आगे के सालों में। जिनके अच्छे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनके अच्छे नहीं हैं
वो हाथ पैर मार रहे हो, मारते रहो, कुछ अच्छा सीख ही जाओगे। एंड डू यू नो वॉट, आज मैंने हैंड स्टैंड नहीं करा, लाइक बिना हैंड स्टैंड किए आज मैंने खाना खा लिया। मुझे इतना गिल्ट हो रहा, दोपहर में मैंने सोचा कि अब हैंड स्टैंड करूँगा, पहले एक बार खाना डाइजेस्ट हो जाने देते हैं। लेकिन उसके बाद अभी मैंने मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपने आप को पुश कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा कर सकता हूँ कर रहा हूँ। पहले मैं एक मिनट कर पाता था, बट अब मैं एक मिनट से ज़्यादा कर ले रहा हूँ आई थिंक, लाइक आई एम ट्राइंग। होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो ट्राई करेंगे, जब तक ट्राई करेंगे तब तक होता नहीं, मतलब तब तक ट्राई करेंगे जब तक होता नहीं, उल्टा हो गया। एंड कीप ट्राइंग, आई कीप हसलिंग। तो खिड़कियों से बाहर देखते हुए अभी सैम दिख गया, सैम से मिलेंगे भाई, चलो एक सेकेंड। साले बाहर निकलते हो कॉल नहीं करते हो, लोगों को ख्वाब चाहिए आसमान वाला ब्रो, जमीन वाले में पार नहीं पाते लोग। हर तरफ रिजल्ट की बातें चल रही। उसका कितना आया? 61। अरे पास है वो, पास। फकिंग 61 में भी लोग रो रहे हैं यार, मेरा तो 61 आता ना भाई तो हम छत पे से कूद जाते। मतलब सुसाइड वाला नहीं, खुशी में ब्रो। एग्जैक्टली खुशी में, सुसाइड वाला छत से कूदने वाला सीन नहीं मेरा। Thank you.